जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और बहुत बड़ी यहाँ पे खुशखबरी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे इंडियन आर्मी के द्वारा अग्निपथ की जो भर्ती आपकी 2023 के अंदर होनी है, उनका नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी होना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। कम से कम यहाँ पे 27 AR और IRO की यहाँ पे जो आपको बता दें कि भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पे सेंटर द्वारा, सॉरी क्या कहते हैं, जॉइन इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है, जो कि आपको इस वीडियो में पता ही चल जाएगा अगर वीडियो को आप देखते हो तो पूरा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो आपको जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आना है और फिर आपको कैप्चर कोड जो है आपका, ये कैप्चर कोड ये फिल आपको कर देना है भाई, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या, आपको यहाँ पे जैसे कि दिखाई दे रहा होगा अग्निपथ स्कीम, इस पर आपको रेली नोटिफिकेशन पे चले जाना है, ठीक है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे इस रेली नोटिफिकेशन पे जाओगे तो आपको यहाँ पे अलग नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि JCO का रहेगा, जो कि हम एक बार आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहले यहाँ पे आपका आर्मी की जो भर्ती होती थी उनका नोटिफिकेशन आता था, बट अब नहीं, अब यहाँ पे आपको कुछ और देखने को मिलेगा। बस आपको यहाँ पे अग्निपथ का जो सेक्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा, इस वाले पे। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे रेली नोटिफिकेशन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है भाई, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सभी ARO के जो क्या कहते हैं, अग्निवीर के नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे आपके सामने। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा नेट स्लो है भाई, यहाँ पे थोड़ा हम यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आ चुके हैं सभी ARO के, यहाँ पे जो कि 27 ARO के यहाँ पे आ चुके हैं भाई नोटिफिकेशन। जैसे कि आप चेक कर सकते हो किस किस भाई का यहाँ पे जो ARO का आ चुका है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यहाँ पे आपको बता दें 16 फरवरी से यहाँ पे आपके स्टार्ट हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन, यानी कल से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और जो कि आपको बता दें कि सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो अपनी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। 27 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कराया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई जितने भी बच्चे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करेंगे तो टेस्ट के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, और साथ में रनिंग भी आपको कंप्लीट करनी है, तो उसके लिए आपको रनिंग भी करनी बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। आगे हम आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद क्या क्या चेंज हुआ है, जैसे कि एज लिमिट क्या रहने वाली है 2023 की भर्ती में, और फिजिकल के बारे में हम आपको बताएंगे, और बोनस पॉइंट क्या क्या आपको मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स, और क्या कहते हैं कि कितनी एज रहेगी, 17.5 से 21 रहेगी, 23 रहेगी, वो सब आपको पूरा डिटेल एक वीडियो आपको मिलेगी, नेक्स्ट वीडियो जो कि आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला था कि 27 AR के यहाँ पे रिजल्ट, सॉरी क्या कहते हैं, भर्ती के नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।